हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। मैं हूं निकहत परवीन खान और आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। मैंने कोशिश की है कि इन दोनों ही वीडियोस में जो मैक्सिमम टॉपिक पॉलिटी के होते हैं उन्हें कवर किया जा सके। वो सारे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ वो सारे टॉपिक जो मिसलिनियस है बट एक आध दो क्वेश्चंस उससे बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे पहले और आज के दोनों ही वीडियोज़ में। ठीक, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, राज व्यवस्था वस्तुनिष्ठ प्रश्न वन यानी कि MCQ पार्ट वन वाला, उसे आप ज़रूर जाकर देखिए। आपको तैयारी करने में ज़रूर मदद मिलेगी। उसके इर्द गिर्द के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप सॉल्व करिए। कंपटीशन कम्युनिटी की जो टेस्ट सीरीज़ है उससे जुड़िए। उसके अलावा जितने तरीके से आप ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं सॉल्व ज़रूर करें। जहाँ पर डिटेलिंग चाहिए तो आप हमारा जो लाइव फ्री क्रैश कोर्स था उसके लेक्चर्स जाके आप रेफ़र कर सकते हैं, तो उससे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। फाइन, तो ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन है आज के सेशन में, सब मैक्सिमम टॉपिक को कवर करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, फाइन। सो अगेन हिंदी में लिखा है क्वेश्चन, तो मैं पढ़ करके इंग्लिश वालों के लिए मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूंगी। क्वेश्चन है, एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदन से पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। इस संदर्भ में सुमेलित क्या है? अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल के कुछ पेपर्स दिए होंगे व्यापम PSC के, इस एक साल के अंदर पिछले 2-3 महीनों में जो हुए, तो आपने ये क्वेश्चन भी एनकाउंटर किया होगा, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है। फाइन, और ये किस से रिलेटेड है? ये टाइप ऑफ मेजॉरिटी से रिलेटेड है। एक फेवरेट पार्ट बन गया है आयोग का कि वो टाइप ऑफ मेजॉरिटी से कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन ट्रिकी सा डालता ही है ना। आपने देखा होगा हर एक बदलते हुए क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे टाइप ऑफ मेजॉरिटी से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था वीडियो वाले, और आज भी कह रही हूँ ऑब्जेक्टिव वाले इस लेक्चर में, कि आप बहुमत के प्रकार ज़रूर अच्छे से समझ करके जाएं। तो ये एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन है। इंग्लिश वालों के लिए समझे कि ये क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर टोटल स्ट्रेंथ की 50% से ज़्यादा और जो प्रेजेंट है और वोटिंग है उनके 2/3 मौजूद हैं, तो ऐसा वाला बहुमत, ऐसे वाले बहुमत से इनमें से कौन से बिल पारित होंगे। तो जो 3-4 तरह के बहुमत थे उनमें से ये वाला जो बहुमत है ये स्पेशल टाइप ऑफ मेजॉरिटी कहलाता है, जिसको हम साधारण भाषा में 2/3 बहुमत कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इस 2/3 बहुमत से क्वेश्चन लिया था, तो बिल्कुल उसी पर ही अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंट मेंबर के 2/3 और टोटल का 50% से अधिक, ऐसा वाला बहुमत से इनमें से कौन सा विधेयक पारित होगा। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दूसरा है नेशनल इमरजेंसी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने का संकल्प यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करने का रेजोल्यूशन, और चौथा है राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प यानी राष्ट्रपति को हटाने का रेजोल्यूशन। इनमें से क्या के लिए हमको 2/3 बहुमत चाहिए, बताइए भाई। तो आंसर देखें, इसमें एक ही है जिसके लिए ऐसा वाला बहुमत नहीं, इससे ज़्यादा बहुमत चाहिए रहता है, वो राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प। क्योंकि राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प मतलब हम बात कर रहे हैं महाभियोग की, जो कि आर्टिकल 21 में है, सॉरी 61 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 61, अगर आपने राष्ट्रपति का लेक्चर अटेंड किया होगा मेरा, तो उसमें आपको बताया था मैंने डिटेल में महाभियोग की क्या प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की क्या प्रोसेस है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड बहुमत है वो केवल प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ही यूज़ है, और आर्टिकल 61 के तहत ऐसा होता है। और उसमें टोटल स्ट्रेंथ यानी कुल सदस्यों की जो संख्या है उसका 2/3 चाहिए रहता है। मतलब जैसे कि लास्ट क्लास में जो मैंने ऑब्जेक्टिव वाली क्लास ली थी उसमें मैंने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए किसी सदन की टोटल स्ट्रेंथ 150 है। ठीक है, किसी दिन आए हैं 100 लोग और उस दिन हमको विधेयक पारित करना है, और मान लीजिए राष्ट्रपति के महाभियोग का विधेयक है जिसे पारित करना है। तो क्योंकि राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 चाहिए होता है, और यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या 150 है, और 150 का 2/3 होता है 100, तो 100 के 100 लोग अगर फेवर में वोट डालेंगे तब राष्ट्रपति पद से हटेगा, वरना नहीं। भले ही आए कितने भी लोग, 100 हों 110 हों, 100 से कम लोग आए तो उस दिन तो वोटिंग होगी ही नहीं।
है ना, इन चीज़ों को डिटेल में बताया मैंने समान भाषा में, इसको रिलेट करके बताती हूँ। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जब महाभियोग का प्रोसेस दोनों सदनों में आता है, तब उस महाभियोग के आरोप को पारित करने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्यों का 2/3 चाहिए रहता है, ना कि मौजूदा और वोट डालने वाले सदस्यों का 2/3। तो ये जो बाकी 3 आप देख रहे हैं, ये इस तरह की मेजोरिटी से पास होता है। संवैधानिक संशोधन 368 में एक्चुअली ये वाला बहुमत बताया गया है। तो संवैधानिक संशोधन जो होता है वो इसी से होता है। अगर वो संघीय ना हो तो संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है इससे। आपातकाल की उद्घोषणा, नेशनल इमरजेंसी जब उद्घोषित होती है तो लोकसभा राज्यसभा में हमको 2/3 बहुमत चाहिए रहता है, तभी ये होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने का संकल्प। तो ऐसा है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही बहुमत चाहिए रहता है, कुल सदस्यों का 2/3, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनको हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस है उसके लिए भी हमें ये वाला बहुमत चाहिए रहता है। और इस बहुमत में जो संख्या आएगी वो थोड़ी कम आएगी। मतलब अगर हम इस तरह से यही वाला एग्जाम्पल में मैंने कल रख के बताया था तो क्या आता था इसका आंसर, 50% से अधिक ऑफ टोटल, तो 150 का 50% 75, उसका एक अधिक 76, और मौजूदा सदस्यों का 2/3, तो 100 का 2/3 हो गया आपका 66.6, मतलब 67। दोनों में वो आंकड़ा जो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, जो क्वेश्चन में 2 क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता हो, तो 76। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हड़बड़ी में तो फिर से कल का लेक्चर देखो, उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे बहुमत के प्रकार का लेक्चर देखो। कुल मिला के बात ये है कि ये जो विशेष बहुमत है 2/3 बहुमत, उसके जरिए ऊपर के 3 ही पारित होते हैं, 4th वाला नहीं होता, और इस वजह से इसका आंसर होगा C1, 2 and 3। ठीक है, हालांकि ये अभी क्वेश्चन आया था करके मैं इसके ऑप्शन के हिसाब से आंसर बता रही हूँ, लेकिन अगर त्रुटियाँ निकालना हम बैठे हैं तो वर्ड टू वर्ड कुछ और भी त्रुटियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लिखा उसने, क्योंकि जो राज्य आपातकाल होता है ना उसमें तो साधारण बहुमत से भी हो जाता है। ठीक है, तो आपातकाल की उद्घोषणा लिखकर उसने जनरलाइज कर दिया, लेकिन उसको स्पेसिफाई करना था राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि क्या कहा मैंने, अगर आप राज्य आपातकाल घोषित करते हैं तो वहाँ पे साधारण बहुमत होता है, 2/3 बहुमत की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक, तो आप कहेंगे भी उस हिसाब से 1 और 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपका है नहीं। ठीक है, और वैसे ही संविधान संशोधन विधेयक लिखा है, तो भाई संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है उसमें भी ऐसा है कि जो संघीय एलिमेंट होते हैं उसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में आपको कोई संशोधन करना है तो उसके लिए संसद में तो वो बिल पारित होना ही चाहिए, साथ ही साथ आधे राज्यों में भी कम से कम वो बिल पारित होना चाहिए सामान्य बहुमत से, ऐसा भी है। तो थोड़ा सा और स्पेसिफाइड होना चाहिए था, बट देन ठीक है, जिस तरह से ऑप्शंस आए उसके हिसाब से हम इसे नेशनल इमरजेंसी मान लेते हैं और इसे हम संघीय तत्वों के अलावा वाले जो दूसरे संशोधन होते हैं उन्हें मान लेते हैं। तो आर्टिकल इस तरह से 1, 2 और 3 दोनों ही 2/3 बहुमत से पारित हो सकता है। ठीक है, तो सी होगा आंसर, क्लियर है? अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर क्लियर होगा, लेक्चर अटेंड करिए या किताबों से पढ़िए। अगर आप एकदम से सीधा MCQ पढ़ने आ गए तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि मैं क्या 2/3 बहुमत, बहुमत मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी नहीं पता तो वो एकदम से नहीं समझ में आएगा। पहले वो संसद वाला लेक्चर अटेंड करें फिर क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में व्यापम के एग्जाम में। एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता क्योंकि, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक कंडीशनल क्वेश्चन है। वो जिस तरह से क्वेश्चन आया था मैंने एज इट इज़ ले लिया है ताकि आप ऐसे भी क्वेश्चंस में दिमाग लगा सके। अगेन इसमें थोड़ा सा पूछने के तरीके में मिस्टेक है, ये स्टेटमेंट नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। वो एक्चुअली में ना नीचे कुछ कंडीशन दिया ऑप्शन में और पूछ रहा है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है इनमें से किन कंडीशन की वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता, है ना। तो वो एक्चुअली में ये 4 में से कोई ऐसी कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन फिट बैठती होगी तब वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक है, भाई कब नहीं ले सकता? पहला है, अगर वो स्वयं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी है तो अगर वर्तमान का कोई मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है तो क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता? डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ऐसा है ना कि एक तो आपको पता होगा कि किसी भी पद पर रहते हुए ये लाभ का पद नहीं है,
जो विधायक सांसद वगैरह गवर्नर वगैरह का रहता है, ये लाभ के पद नहीं कहलाते, तो इस पद में रहते हुए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक हिस्सा लेते हैं, मुख्यमंत्री जो होता है वो विधायक होता है राज्य स्तर का, इस वजह से वो वोट डाल सकता है। तो पहली कंडीशन तो नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी मुख्यमंत्री वोट डालेगा, वो स्वयं भी खड़ा हो रहा है तो भी, क्योंकि वो विधायक है और राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक लोग वोट डालते हैं, इसलिए वो वोट डालेगा, ठीक है। क्वेश्चन टू है, वह राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री मतलब जनरल, एकदम जनरल सेंस क्या निकलता है, विधायक तो होगा तभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक का तो वोट डाल सकता है, ठीक है। तीसरा, उसे राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना बाकी है, मतलब वो मुख्यमंत्री बन गया है लेकिन अभी वो ऐसी पार्टी का मुख्यमंत्री है जिसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी थी लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इस सभा में मुख्यमंत्री तो नियुक्त हो गया लेकिन अभी उसे बहुमत सिद्ध करना बाकी है, मतलब जो फ्लोर टेस्ट होता है ना, विश्वास मत जीतने वाला जो टेस्ट होता है वो बाकी है। तो क्या ऐसी कंडीशन में वो राष्ट्रपति के लिए वोट डाल पाएगा कि नहीं, तो डाल लेगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री अभी है या नहीं है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो विधायक है या नहीं। तो भाई अगर वो मुख्यमंत्री बना है ना, और भले ही उसको सरकार बनाने के लिए अभी बहुमत सिद्ध करना बाकी है, पर इतना तो है ना कि वो स्वयं विधायक बन चुका है, ठीक है, लेकिन उसे बहुमत सिद्ध करना बाकी है, बस इतना ही है। जो मौजूदा लोग हैं उनमें से एक जन बन गया है, बहुमत सिद्ध करना बाकी, तो ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है, वो विधायक है तो फिर वो वोट डाल सकता है। लास्ट वाला देखो, वह राज्य की उच्च सदन का हिस्सा है, ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 54 जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि राज्य स्तर पे जब जो विधायक वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें विधान परिषद के विधायक वोट नहीं डालते, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं ना विधान परिषद, उसके लोग वोट नहीं डालते, और विधान परिषद ही तो उच्च सदन होता है। मुख्यमंत्री जो व्यक्ति है वो विधानसभा का भी हो सकता है, विधान परिषद का भी, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी। अब सेंटर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं वो वोट डालते हैं, पर आपने पढ़ा है ना आर्टिकल 54 में कि जो स्टेट लेवल पर विधायक वोट डालते हैं वो सिर्फ विधानसभा के विधायक वोट डालते हैं, विधान परिषद के विधायक वोट नहीं डालते, और विधान परिषद ही तो उच्च सदन है। तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का मेंबर है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि आर्टिकल 54 विधान परिषद को अलाउ ही नहीं करता। समझ में आई बात, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन 3 पे मूव ऑन करते हैं। वर्तमान समय में एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर की पीएससी में भी आया था जो विवादास्पद था। कल मैंने राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने को जो क्राइटेरिया बताए थे उसी का एक स्टेप फॉरवर्ड आज मैं बता रही हूँ। कल मैंने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो बताया था क्वेश्चन के जरिए, आज मैं बता रही हूँ आपको कि स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी पार्टी को कौन से क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। ये ऐसा एक क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित था, लास्ट ईयर के पीएससी में भी आया था, तो सो बेहतर यहाँ पर समझ लें कि क्या है। तीन चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, मतलब अगर स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो ऐसा है कि मैं पहले आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ फिर हम मैच कर लेंगे, ठीक है। आप में से कई लोग अभी देखते देखते आंसर कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी तैयारी की भी परख है, लेकिन जो क्वेश्चन के जरिए समझना भी चाहते हैं तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऐसा है कि किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए मेनली चार क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया जो है वो वोट्स के आधार पर है, एक क्राइटेरिया आपका सीट्स के आधार पर है, एक क्राइटेरिया लोकसभा में वोट और सीट के कॉम्बिनेशन के आधार पर है, और एक क्राइटेरिया विधानसभा में वोट और सीट के क्राइटेरिया के आधार पर। यदि कोई भी राज्य में जो पार्टी है वो इनमें से एक भी क्राइटेरिया को पूरा करती है तो उसे राज्य के दल का दर्जा मिल जाएगा। अब गौर से सुनिए,
पहला क्राइटेरिया जो सिर्फ वोट के आधार पर है वो ये कहता है कि यदि किसी पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली लिख रही हूँ मैं, लोकसभा में आम चुनाव होते हैं या विधानसभा में आम चुनाव होते हैं, ठीक है, दोनों को लेकर चल रही हूँ मैं, कि किसी पार्टी ने अगर लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा उसमें चुनाव हुए हैं, उसमें उसने पार्टिसिपेट करी, अपने कैंडिडेट्स खड़े करवाई और वोटिंग में जितने टोटल वोट्स डले, उसका 8% वोट उस पार्टी को मिला है। जैसे जनता कांग्रेस है मान लो छत्तीसगढ़ में, है ना, उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, स्टेट पार्टी है छत्तीसगढ़ में। जैसे MNS शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल किए हुए, तो इन पार्टीज़ को जो स्टेट पार्टी का दर्जा मिला ना, उन लोगों ने इनमें से कोई एक क्राइटेरिया पूरा किया होगा। तो मान लो हम अपने ही स्टेट की बात करते हैं तो उसमें ऐसा है कि या तो यहाँ पे जब विधानसभा चुनाव हुआ होगा 90 सीटों के लिए, या यहाँ पे 11 सीटों के लिए जो लोकसभा चुनाव हुआ होगा, दोनों में मान लीजिए जनता कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि उतारे होंगे और जितने टोटल वोट्स डले हैं, ठीक है, उसमें से अकेले उस पार्टी को 8% वोट मिले तो वो राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत वोट बहुत ज्यादा है, ठीक। तो ये पूरी तरह से वोट्स के आधार पर, कितने प्रतिशत वोट हुए। अब दूसरा है सीट्स के आधार पर। वोट ज्यादा मिलने का मतलब ये नहीं कि आप चुनाव जीत गए। मान लीजिए चार सीटें हैं, एक पार्टी को सब में, मतलब एक पार्टी ऐसी जिसमें चारों कैंडिडेट उसके जो हैं सबको हज़ार हज़ार वोट मिले, लेकिन सब में अलग अलग पार्टी के ऑपोजिशन वालों ने, मान लीजिए किसको 1,000 एक, किसी को 1,002, ऐसा करके वो सीटें जीत ली, तो ये वाली पार्टी को 4,000 वोट ज़रूर मिले लेकिन उसने एक भी सीट नहीं जीती, और उधर चार अलग अलग पार्टी के लोग सिर्फ हज़ार वोट में एक सीट भी जीत गए, समझ रहे ना। तो वोट ज्यादा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप सीट जीत रहे, बट हाँ, वोट और सीट में ज्यादा मायने किसका है, सीट का, ठीक है। तो अगर अकेले वो पार्टी भले ही एक वोट से ही किसी सीट को जीतती है तो उसका अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आप समझिए कि या तो भाई बहुत ज्यादा प्रतिशत वोट उसको मिले भले वो सीटें नहीं जीत पाई ज्यादा, कोई सीट का क्राइटेरिया नहीं, 8% वोट मिले मतलब उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, या फिर उसने वही जो लोकसभा का चुनाव है या फिर विधानसभा का जो चुनाव है उसमें उसने कम से कम, अगर मान लीजिए 3% या 3 सीट हासिल की है तो उसे राज्य की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस की बात करें हम, तो कल को यहाँ पे विधानसभा चुनाव में वो जीतती है और कम से कम 3 सीट हासिल कर लेती है, और 90% का 3% कितना हुआ 3, तो हमारे तो भाई 3% तो सेम है। कोई और हम विधानसभा देख लें जहाँ पे मान लो विधानसभा की सीटें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे 3% का आंकड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से कुछ भी आ सकता है, है ना। तो या तो तीन प्रतिशत कम से कम, दोनों में जो भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, जैसे मान लो कल को हमारे यहाँ 120, कोई मान लीजिए विधानसभा में 120 सीटें, 120 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, अब 120 सीटों का अगर आप 3% लिखेंगे तो 3×4=12, 4 हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा है कि उस 120 सीट में कम से कम उसको 4 सीटें जीतनी पड़ेगी, वहाँ पे 3 का क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि 120 का 3% जो होता है 4 होता है, समझ पा रहे हैं। तो भाई या तो उसने टोटल वोट का 8% हासिल की हो, या फिर वो विधानसभा चुनाव में, या उस राज्य से जो लोकसभा के प्रत्याशी जा रहे हैं उन चुनावों में उसने 3 सीट या 3% सीट हासिल कर ली, ठीक है, तब भी वो राज्य की पार्टी का दर्जा हासिल करने का क्राइटेरिया पूरा कर लेती है। स्टेट पार्टी की बात, नेशनल पार्टी का मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, ठीक। उसके अलावा अब मान लीजिए कोई पार्टी को ना 8% वोट मिले ना 3 सीट मिले, सीट भी थोड़ी कम है वोट भी थोड़े कम है, तो एक ऐसा भी क्राइटेरिया है जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशन से भी उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है कि चलो 3 नहीं तो थोड़ी कम सीट, 8% नहीं तो थोड़ा कम परसेंट वोट, दोनों का लेकिन एक बेसिक कॉम्बिनेशन रहेगा, इतना अगर कम से कम मिला तो दर्जा मिल जाएगा।
तो उसमें लोकसभा के लिए अलग है, विधानसभा के लिए अलग है। मान लीजिए लोकसभा चुनाव में किसी राज्य की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उस राज्य से खड़े करवाए और लोकसभा चुनाव में उनको 6% वोट मिल गए प्लस 1 सीट मिल गई, 6% वोट उस राज्य से मिल गए प्लस लोकसभा में उस पार्टी ने उस स्टेट से 1 सीट भी जीत ली, तो भी उसको राज्य की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। वैसे ही अगर विधानसभा चुनाव में उसने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में जितने वोटिंग हुई उसका 6% वोट उसे अगर मिल गया प्लस विधानसभा चुनाव में उसने 2 सीटें भी जीत ली, तब भी उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। मतलब आपको इनमें से चारों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, या तो अकेले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 8% वोट ले आओ, या तो अकेले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आप 3% या 3 सीट ले आओ, या फिर अब 8% नहीं तो कम से कम 6% वोट लाना है, 3 नहीं तो कम से कम लोकसभा में 1 विधानसभा में 2 सीट लाना है, ठीक है, या फिर 6% वोट और 1 सीट अगर आपने लोकसभा में हासिल की तो भी स्टेट पार्टी, और अगर विधानसभा चुनाव में आपने 6% वोट और 2 सीट हासिल की है तो भी स्टेट की पार्टी का दर्जा आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, अच्छे से सुनना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 क्राइटेरिया में से इधर और है, और अपने आप में एक एक स्टेटमेंट कंप्लीट है, 8% सीट है तो ये कंप्लीट है, लेकिन अगर 6% बोलता है तो ये इनकम्प्लीट है। 6% अगर वोट की बात हो रही है प्लस 1 सीट भी होना चाहिए उस स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है स्टेट की पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए। तो पहला देखो, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया, तो भाई ऐसा एक क्राइटेरिया तो है विधानसभा चुनाव में 6% क्राइटेरिया, लेकिन देखो ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है क्योंकि 6% वोट के साथ साथ 2 सीट हासिल करेंगे तब मिलेगा, तो अपने आप में ये स्टेटमेंट पूर्ण नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, समझ रहे हैं? क्योंकि अकेले वोट के आधार पर देखो तो 8% वोट मिलने से होता है, 6% वोट के साथ 2 सीट भी चाहिए, तो इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इनकम्प्लीट है। वैसे ही यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल सीटों का कम से कम 3% 3 सीट जीता है तो ये बिल्कुल सही है, 3% 3 अकेले में अपने आप में एक क्राइटेरिया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, यदि वह दल लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तो भाई अभी जो विधानसभा के लिए बोला था पहले स्टेटमेंट में उसी को उसने लोकसभा के लिए बोल दिया, तो विधानसभा में भी 6% है, लोकसभा में भी 6% है, पर अकेले 6% से नहीं, लोकसभा में 1 सीट चाहिए, विधानसभा में 2 सीट चाहिए, इस तरह से थर्ड स्टेटमेंट भी इनकम्प्लीट होने की वजह से रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से सिर्फ स्टेटमेंट 2 यानी डी होगा आंसर, केवल 2। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है तो आप उसको सही नहीं मानेंगे। आप ये भी नहीं बोल सकते, मान लो यहाँ पे लिखा है कि विधानसभा आम चुनाव में 6% और यहीं पे लिख देता विधानसभा आम चुनाव में उसने 2 सीटें जीती, ऐसा ही कन्फ्यूजन लास्ट ईयर पीएससी में हुआ था। एक स्टेटमेंट था विधानसभा आम चुनाव में 6% वोट जीते और विधानसभा आम चुनाव में 2 सीटें जीते, तो आपने देखा यार 6% वोट का भी एक क्राइटेरिया है, 2% सीट का भी, चलो अपने आप में तो ये सही नहीं है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कॉम्बिनेशन हो जाता 1 और 3 तो कई लोग सोचते 1 और 3 को मिला के तो होता है ना क्राइटेरिया, तो हम उसको टिक कर देते कि 1 और 3 दोनों सही हैं, पर 1 और 3 मिला के सही है, इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो ये क्योंकि अपने आप में पूर्ण नहीं है तो अपने आप में ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसका कॉम्बिनेशन भी इसलिए गलत होगा। ठीक है, एवम आना चाहिए और आना चाहिए, एक ही स्टेटमेंट में ये पूरी पूरी बात आना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन के कॉम्बिनेशन में 1 और 3 दिया है तो वो सही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कि ये वाला आधा बता दे तो ये वाला आधा बता दे तो 1 और 3 नहीं, अपने आप में वो स्टेटमेंट पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो जो मैं कह रही हूँ अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो वो जो डाउट जो चीज़ें लोग अटक रहे हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। उस क्वेश्चन को देखना, फिर मैं इस एक्सप्लेनेशन को देखना, तब आपको समझ में आएगा। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर है केवल 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सही कथन चुनिए, और ये जो क्वेश्चन है ना यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट से है, और हम पढ़ चुके हैं इसे जब हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी कि यूनियन लिस्ट में फ़िलहाल 100 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, स्टेट लिस्ट में फ़िलहाल 61 सब्जेक्ट मैटर्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में फ़िलहाल 52 सब्जेक्ट मैटर्स हैं।
और उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि संख्या के साथ साथ कोशिश करिए कि आप एक बार इन सब्जेक्ट मैटर्स को देख लें, यानी केंद्रीय सूची के अंदर जो 100 विषय वस्तुएं हैं उनको एक बार नज़र मार लीजिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सॉल्व करें, उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ही समवर्ती सूची, वैसे ही राज्य सूची को एक बार नज़र ज़रूर डालें, तो कोई कोई ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, उन्हीं में से एक ये है। चार स्टेटमेंट दिया और उसने स्टेटमेंट दे दिया कि ये वाली चीज़ समवर्ती सूची में, ये वाली चीज़ संघीय सूची में, ये वाली चीज़ राज्य सूची में, और आपको फिर ऑप्शन बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। तो पहला वाला कहता है स्टेटमेंट, शिक्षा संघ सूची में, मतलब शिक्षा जो है वो यूनियन लिस्ट में बोल रहा है, एजुकेशन। सही है कि गलत? गलत। गलत इसलिए क्योंकि एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, लेकिन आपको बताया था मैंने 42nd अमेंडमेंट वाला लेक्चर देखिएगा मेरा, 42वां संशोधन 1976 के जरिए राज्य सूची से 5 विषय वस्तुओं को समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया है ना। तो उन 5 विषय वस्तु में एजुकेशन भी था। शिक्षा पहले स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट थी, जब स्टेट लिस्ट में 66 विषय वस्तु थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के जरिए से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो संघीय सूची का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, वन समवर्ती सूची में, बिल्कुल सही है। इसी संशोधन से वो जो 5 विषय वस्तु ट्रांसफर हुए थे उसमें एक शिक्षा था और दूसरा वन था, तो वन भी पहले राज्य सूची में था, अब वो समवर्ती सूची में, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्थानीय शासन, पंचायत वगैरह, ये तो आपने पढ़ा ही होगा पंचायती राज में, बिल्कुल ये स्टेट यानी राज्य सूची का विषय वस्तु, ये सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 4, जनगणना सेंसस संघीय सूची, बिल्कुल सही। राज्य के पास जनगणना करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए याद रखना सेंसस जो होती है वो सेंटर ही करती है हमेशा, रूसी के आंकड़े हमेशा ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपने यहाँ पे नए ज़िले बनने के बाद जो आंकड़े देखे वो सिर्फ इतना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर, बंटवारे के आधार पर राज्य में डाल दिया गया कि ये ज़िले में इतनी, ये ज़िले में इस तहसील में इतनी थी जनसंख्या थी, तो नए नए जो ज़िले बने 2011 के बाद छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से उसे एक अनुमानित तरीके से बांटा गया, लेकिन एक्चुअली में ज़िले बनने के बाद, जितने भी नए ज़िले बने उसके बाद यहाँ पे स्टेट में कोई सेंसस नहीं कराया गया, क्योंकि सेंसस कराना राज्य सूची के विषय वस्तु के अंदर आता ही नहीं है, है ना। तो ध्यान ये रखिएगा कि असली जो आधिकारिक आंकड़ा आएगा ना, जो 2011 की जनगणना होनी चाहिए थी जो कि कोरोना की वजह से टल गई, उसके जो आंकड़े आएंगे उसी में हमको राज्य के सभी ज़िले तहसील की वर्तमान की नई वाली जो जानकारी वो मिल पाएगी। अभी तक तो वही चल रहा था हिसाब किताब, 2011 के हिसाब से जितने नए ज़िले बनते गए उसमें जो तहसीलों का बंटवारा होता गया वो 2011 के हिसाब से ही स्टेट में अपने हिसाब से डाला गया, यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। फॉरेस्ट सर्वे दोनों करवा सकते हैं क्योंकि समवर्ती सूची में शामिल है, पर सेंसस जो होता है सिर्फ सेंटर कराती है क्योंकि संघीय सूची में शामिल है। ठीक है, तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं इसके। बहरहाल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी 2, 3 और 4 सही आंसर होता है। ठीक, दैट इज इट, ये हो गया क्वेश्चन 4। आते हैं क्वेश्चन 5 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संसद की संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत आता है। यस, मैं ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस रख रही हूँ जिनमें से कुछ तो हमने लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मैंने वहाँ पे वक्त की कमी की वजह से मैंने अपने क्रैश कोर्स में नहीं बता पाई, लेकिन छोटे छोटे आपने ऐसे देखे होंगे कल और आज के लेक्चर में कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैं क्वेश्चन के जरिए आपको एक्स्ट्रा वाले बता रही हूँ, उनमें से एक ये भी है। तो भाई जब हम संसद पढ़ते हैं ना तो उसमें एक पार्ट होता है, जब हम बजट भी पढ़ते तब भी हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे पद होते हैं जिनकी सैलरीज जो होती हैं वो संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज्ड होती हैं, भारित व्यय होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर या भारित व्यय। संचित निधि पर भारित व्यय मतलब उतना व्यय संचित निधि है ना हमारी ट्रेजरी से करना ही होगा, दैट इज अ नॉन वोटेबल पार्ट। भारित व्यय का मतलब होता है भाई कि संचित निधि से वो जो भारित व्यय है उसका निकलना तय है, वो निकलेगा या नहीं, वो कम होगा या ज़्यादा, इस पर संसद कोई वोट नहीं डालती। जब हमारे यहाँ बजट वगैरह पास होता है ना बजट सत्र में, तो दो तरह के व्यय हमारे संचित निधि से निकलते हैं, संचित निधि से किए गए व्यय। अब संचित निधि से किए गए व्यय मतलब
एक्सपेंडिचर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जो इंडिया में जितनी योजनाएं बजट में आई हैं उनके लिए पैसे निकाले जाते हैं, और दूसरा संचित निधि पर भारित व्यय, ये कुछ पदों की सैलरीज होती हैं जिस पे संसद में कोई वोटिंग नहीं होती, जबकि संचित निधि से किए गए व्यय उसमें संसद में वोटिंग होती है कि उतना व्यय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसी में आता कटौती प्रस्ताव, पर भारित व्यय में कोई भी कटौती प्रस्ताव नहीं आता। थोड़ा सा संसद वाला चैप्टर देखेंगे आप जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएं तो कुछ कुछ चीज़ें रिलेट कर पाएंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें मैंने बता नहीं पाई वक्त की कमी की वजह से। इतना समझिए कि संचित निधि से पैसा निकलता है, एक तो चार्ज होता है और डन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, यानी भारित व्यय और किए गए व्यय। तो जो किए गए व्यय होते हैं वो योजनाओं के लिए जो पैसे निकलते हैं वो होते हैं जिसमें संसद में वोटिंग होती, कटौती हो सकती, पर ये जो भारित व्यय होते हैं उसमें संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, कटौती नहीं हो सकती। जिन भी पदों को इम्पोर्टेंट पद घोषित किया गया है, जिनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि कार्यकाल की सुरक्षा मिली हुई है, उनके जो व्यय होते हैं ज़्यादातर वो भारित होते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिए कि इनमें से किसके व्यय भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए दिए जाने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन। तो एक तो हाई कोर्ट के जज की बात बोल रहे हैं, एक कैग की बात बोल रहे हैं। तो हाई कोर्ट का जज और कैग जो है ना, दोनों ही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कि कार्यकाल की सुरक्षा वाले पद हैं, तो उसमें तो दिया ही हुआ है कि इनके जो व्यय होंगे, इनकी जो सैलरीज होंगी वो राजकोष पर भारित होंगी। तो ये स्टेटमेंट दोनों तो बिल्कुल सही है, ये वाला और थर्ड वाला, इनकी सैलरी पेंशन सब राजकोष पर भारित होंगे। ठीक है, ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी, हमने कहीं से लोन लिया है और हमारी सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी जो है वो भारित व्यय में ही आता है। तो इस हिसाब से ये तीनों ही तरह के जो व्यय हैं वो भारित हैं, और एक दो और तीन ये दोनों, मतलब ये आंसर ए होगा इसका, 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो एक बार और लिस्ट देख लीजिएगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर और क्या क्या आता है। फाइन, तो इसका आंसर है। चलिए, आई होप आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव ऑन करते लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में। भाई लोकसभा स्पीकर है, अब ये तो कोई अलग टॉपिक नहीं है, पढ़ा है हमने संसद में, तो आई होप आप इसका आंसर फौरन कर पाएंगे, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी। स्पीकर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है और आपको असत्य यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। लोकसभा का अध्यक्ष ही यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये काफ़ी बार अभी अभी चर्चा में है, कई क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर से, कल भी मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए इसे बताया था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई विधेयक धन विधेयक यानी कि मनी बिल है या नहीं इसका प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन स्पीकर ही करता है, ये सही है और हमको इनकरेक्ट बताना है। स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में होती है, मतलब स्पीकर को जब हटाना रहता है ना तो उसके लिए जो प्रस्ताव आता है, उसके लिए जब डिस्कशन होता है, तो उस वक्त उस मीटिंग में क्या वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है? नहीं भाई, स्पीकर जो है वो लोकसभा का मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है ना, और स्पीकर को चाहे इलेक्ट करना हो चाहे हटाना हो, ये प्रक्रिया केवल लोकसभा में संपन्न होती है, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं, और उपराष्ट्रपति का लोकसभा से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से लोकसभा के अंदर की प्रक्रिया है जिसमें उपराष्ट्रपति का कोई भी लेना देना नहीं, इस तरह से ये स्टेटमेंट बी रॉन्ग साबित होता है। ठीक है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमें हमारा आंसर इस तरह से मिल गया, असत्य कथन पूछा है ना, तो होना चाहिए बी, लेकिन हम बाकी को भी जाँच लेते हैं, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए बी, बाकी को भी जाँच लेते हैं। स्पीकर के पास शून्यकाल को कम करने या रद्द करने की शक्ति होती है, ये सही स्टेटमेंट। हमने जीरो आर पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि शून्यकाल की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं, ये 5 मिनट भी हो सकती है और पूरे दिन के लिए भी हो सकती है। समय समय पर अलग अलग स्पीकर्स ने शून्यकाल के टाइम पीरियड को कम या ज़्यादा किया है और ये पूरी तरह से स्पीकर के डिसीजन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है।
स्पीकर विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को नामांकित करता है, ये भी सही है। पार्लियामेंट के अंदर वर्किंग के लिए जो भी एडहॉक कमिटीज या परमानेंट कमिटीज बनती है उनमें से कुछ का तो अध्यक्ष स्वयं स्पीकर रहता है, कुछ के अध्यक्ष निर्धारित रहते हैं और बाकी कमिटीज़ के अध्यक्षों को स्पीकर ही नियुक्त करता है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमने सारे स्टेटमेंट चेक कर लिए, आंसर वही आता है ऑप्शन बी, ठीक है, इनकरेक्ट है, फाइन। चलो क्वेश्चन 7 में मूव ऑन करते हैं हम, और ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल से संबंधित है, 356 में जो दिया हुआ, ठीक है, राज्य आपातकाल 356 में जो दिया उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, असत्य कथन को पहचानना है। तो मैंने बहुत अच्छे से इमरजेंसी पढ़ाया है डिटेल में, आप लेक्चर ज़रूर देखें। हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जाते हैं, एक एक करके चेक करते हैं कि सही है या गलत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा तब होती है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, सही है या गलत? गलत है, क्योंकि युद्ध और बाह्य आक्रमण के केस में तो नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती ना कि राष्ट्रपति शासन की, तो ये स्टेटमेंट गलत। तो हमको क्योंकि इनकरेक्ट ही बताना है तो हमको इनकरेक्ट का एक ऑप्शन तो मिल गया, एक, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित किया गया है, 3 वर्ष पश्चात इसकी समाप्ति आवश्यक है, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट रूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम ये 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है गलत? बिल्कुल सही है। नेशनल इमरजेंसी, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा के लिए जब सदन संसद में अनुमोदन मिलता है तब विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, पर राष्ट्रपति शासन को जब संसदीय अनुमोदन चाहिए होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए रहता है, तब साधारण बहुमत से अप्रूवल मिल जाता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चौथा है, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंप सकती है, ठीक है, मतलब जब भी किसी स्टेट में ना प्रेसिडेंट रूल लगा है तो राष्ट्रपति को या किसी और प्राधिकृत अधिकारी को संसद कार्यभार सौंप सकती है, ये रूल है। नेशनल इमरजेंसी में संसद स्वयं करती है पर स्टेट इमरजेंसी में वो राष्ट्रपति को भी सौंप सकती है, तो ये एक क्लॉज है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस हिसाब से आप देखें 1, 2, 3, 4 में सेकेंड 3, 4 सही है और एक लौता इनकरेक्ट 1 है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है बी, केवल एक असत्य है, ठीक है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि भले जितने भी बड़ा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन दे दे, थोड़ा धैर्य रख के एक एक करके आप सॉल्व करेंगे ना, गुत्थियाँ सुलझाएंगे, कड़ियाँ खोलेंगे, तो वो ज़रूर सॉल्व होता है। ऐसे क्वेश्चंस देख के डरिए मत, हमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो डर जाते हैं कि अरे ये तो होने ही नहीं वाला है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप ये देखिए कि कौन से टॉपिक को छुआ है उस क्वेश्चन, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो वो जितने भी 4 हो चाहे 8 हो चाहे 10 स्टेटमेंट दे दे और जितना भी कॉम्बिनेशन दे दे, और इनफैक्ट मैं तो ये बोलती हूँ कि ऐसे वाले स्टेटमेंट ज़्यादा सॉल्वेबल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि हमें भले ही वो 7-8 स्टेटमेंट में सबके बारे में ना पता हो पर 3-4 हमें पता रहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा तो हमने पढ़ा है, और उसके हिसाब से कई बार ऑप्शन भी मैच हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के दूर से मत भागिएगा, अगर आपके पढ़े हुए टॉपिक में से है तो ज़रूर सॉल्व करिए। पॉलिटी में तो ये ट्रेंड बना हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछने का, तो आप इससे भाग कर तो पॉलिटी सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, ठीक, फाइन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन 2 प्रकार के शपथ ग्रहण करते हैं, मतलब ये ना कुछ पद दिए हुए हैं 6, इनमें कौन ऐसे पद हैं जो 2 अलग-अलग तरह की ओथ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति, क्या वो 2 ही ओथ लेता है? नहीं। आप कहेंगे कि भाई वो तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है तो वो उपराष्ट्रपति का भी शपथ लेता होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की भी शपथ लेता होगा, तो ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति
जो इस पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर, वो केवल उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेता है। और क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम तब तक नहीं होता जब तक राष्ट्रपति एब्सेंट ना हो, इस वजह से राष्ट्रपति की मौजूदगी में बाकी पूरे टाइम उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभालता है। और उस पद, राज्यसभा का सभापति कोई पद नहीं है, पद है उपराष्ट्रपति। तो ना तो राज्यसभा का सभापति कोई शपथ लेता है, ना लोकसभा का अध्यक्ष, तो ना स्पीकर लेता है, ना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो दोनों पदों की कोई शपथ नहीं होती। इसलिए इंसान से वो उपराष्ट्रपति का की शपथ लेगा, है ना। तो इसमें तो ये एक ही शपथ आ गई, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया इस हिसाब से। केंद्रीय मंत्री, ये एक सही ऑप्शन है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री होंगे वो नेसेसरली सांसद तो होंगे ही। तो जो व्यक्ति मंत्री बन रहा है वो या तो पहले या तो 6 महीने के अंदर अंदर सांसद उसे बनना जरूरी है लोकसभा या राज्यसभा का। तो ऐसे में वो एक शपथ उसे राष्ट्रपति मंत्री पद की दिलाएगा, दूसरी शपथ वो सांसद पद की लेगा। तो इस हिसाब से मंत्री जितने होते हैं ना वो दोहरी शपथ लेते हैं। तो एक तो ये है, राष्ट्रपति नहीं, ये सिर्फ अपने पद की शपथ लेता तो ये नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो सिर्फ अपने पद की। राज्य मंत्री ये लेते हैं, तो जैसे केंद्रीय मंत्री सांसद और केंद्रीय मंत्री की शपथ लेते हैं, वैसे ही स्टेट के जो मंत्री होते हैं, राज्य के जो मंत्री होते हैं, वो मंत्री पद की और सांसद, मतलब राज्य मंत्री। यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना आप लोगों को, आप बोलेंगे मैम केंद्रीय मंत्री परिषद में भी तो राज्य मंत्री होते हैं, तो ये राज्य के मंत्री हैं कि राज्य मंत्री हैं। इतना दिमाग मत लगाओ कि दोनों ही केस में, अगर ये राज्य मंत्री सेंटर के स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी बात कर रहा है, तो भी उन लोगों को मंत्री पद की और सांसद पद की दोहरी शपथ लेनी ही होगी। और अगर ये राज्य के मंत्री की बात कर रहा है तो भी उनको मंत्री पद की और विधायक के पद की शपथ लेनी ही होगी। तो दोनों केस में अगर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने एज इट इज़ निकाला है इसमें ना, तो अगर ऐसा कुछ मिस्टेक भी है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ऑप्शन हमेशा आपको कोई ना कोई मैचिंग मिल जाएगा। तो चाहे आप कुछ भी समझो इसको, सेंटर वाले स्टेट मिनिस्टर समझो जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, चाहे आप स्टेट के मिनिस्टर समझो राज्य के कैबिनेट मंत्री, दोनों ही केस में ये दोहरी शपथ लेंगे, मंत्री और सांसद के लेंगे या मंत्री और विधायक के लेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है, दोहरी शपथ। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं, ये तो एक ही पद है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन आता है 2 और 5 और ऑप्शन बी इससे मैच होता है, इसलिए यही करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्लियर? फाइन, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन बताएं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। और ये फिनेंशियल इमरजेंसी से है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल से डायरेक्टली कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इनमें से एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करिए, गलत कौन सा बताइए। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 360 में है, सही या गलत? सही, इट इज़ वेरी सिंपल। वित्तीय आपातकाल को संसद अनुमति घोषणा के 2 माह के भीतर मिलना आवश्यक है, सही या गलत? सही। प्रेसिडेंट रूल हो चाहे फिनेंशियल इमरजेंसी, दोनों में संसद अनुमोदन 2 महीने के अंदर मिलना जरूरी है, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना है ना। वित्तीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया है, सही या गलत? गलत। हम वित्तीय आपातकाल के बारे में सबसे स्ट्राइकिंग फीचर यही तो पढ़ते हैं ना कि आज तक भारत में ये 1 बार भी नहीं लगा, 0 टाइम्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमें मिल गया जो हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। तो हमारा आंसर सी है, लेकिन हम चौथे को भी चेक कर लेते हैं, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार भंग नहीं होती, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, सिर्फ उसी केस में राज्य सरकार भंग होती है, बाकी फाइनेंशियल इमरजेंसी में और नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट भंग नहीं होती। फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिर्फ ऐसा होता है कि स्टेट की गवर्नमेंट की जितने वित्तीय शक्तियाँ होती हैं वो केंद्रीकृत हो जाती हैं, बाकी सरकार ज़रूर बनी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, फाइनेंशियल इमरजेंसी 3 बार लगाया गया, गलत है क्योंकि 0 टाइम्स लग गया। क्लियर विद दैट? ठीक है, चलिए, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये अलग अलग से है, 91st अमेंडमेंट से है थोड़ा बहुत, कुछ थोड़ा बहुत 52nd अमेंडमेंट यानी कि दल बदल निषेध कानून से रिलेटेड है, 91st अमेंडमेंट से है और 52nd अमेंडमेंट से रिलेटेड है। चलिए, इनमें आपको
करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है, संसद का कोई भी सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया वह किसी भी मंत्री पद को धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है. ये स्टेटमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ से है. बताएं ये सही है या गलत. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जाहिर से बात है अगर वो दल बदल निषेध कानून के तहत दोषी करार किया गया तो वो सांसद पद उसके हाथों से चला जाएगा और अगर वो सांसद ही नहीं रहता तो फिर वो मंत्री नहीं रह सकता. इसलिए ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, और आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें से एक तो मिल गया हमें. ठीक, उसके अलावा आपका अगला है, प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल संख्या की 15% से होना चाहिए. और थर्ड है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% होना चाहिए. बिल्कुल सही स्टेटमेंट से दोनों. ये जो मैं 91st अमेंडमेंट बोल रही हूँ ना, 91st अमेंडमेंट में मंत्रिपरिषद की जो संख्या है उसमें एक अपर लिमिट लगाई गई कि दोनों ही स्तर पर, सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पर, मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो निचले सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकती. मतलब सेंटर लेवल पर लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती और स्टेट लेवल पर विधानसभा. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना. हम पढ़े थे ना आर्टिकल 75 के तहत, इसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था. जब किसी सदन के 2/3 सदस्य किसी दल से अलग हो जाएं तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती. ये भी एंटी डिफेक्शन लॉस है. और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर कहीं कुछ मैंने उस वीडियो में गलत बोला होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल फुल प्रूफ है. हमने पढ़ा था ना कि दल बदल निषेध कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी की टिकट से खड़ा हुआ और जीता है उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसका पद, यानी सांसद का पद, समाप्त हो जाएगा. पढ़ा था हमने. लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर कुछ ग्रुप में पार्टी बदली जाती है सांसदों द्वारा तो उन मेंबर्स का जो सांसद पद है वो समाप्त नहीं होता. अब ग्रुप में कितने मेंबर्स होने चाहिए, पहले ये 1/3 था लेकिन संशोधन के बाद, इसी 91st अमेंडमेंट के बाद इसे 2/3 कर दिया गया. 91st अमेंडमेंट से कहा गया कि 2/3 लोग अगर किसी एक पार्टी के सांसद हैं और वो लोग किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी. क्योंकि 2/3 मतलब काफ़ी लोग जा रहे हैं और हो सकता है कि वाकई में पार्टी की विचारधारा से वो लोग ग्रसित हों और कोई और ऐसी बड़ी वजह हो जिसकी वजह से चेंज हो रहा है, कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए ना जा रहे हैं. इस वजह से यदि 2/3 लोग ग्रुप बनाकर चेंज करते हैं तो वो सांसद पद उनका नहीं जाएगा, सदस्यता समाप्त नहीं होगी. लेकिन अब इंडिविजुअली या 2/3 से कम लोग अगर पार्टी चेंज करते हैं तो सांसद पद चला जाएगा. ये सेम केस विधायकों के लिए भी होता है. ठीक है, अभी यूपी में देख रहे हैं ना आप, तो भाई ऐसा है कि विधानसभा ख़त्म हो रही तो इधर फटफट इधर के मंत्री उधर, इधर के विधायक उधर, उनको पता है ना कि अब वो अगर पार्टी चेंज करते तो वो लोग पहले इस्तीफा दे देते हैं. इस्तीफा यदि नहीं देते उन लोग, थोड़ा वक्त बचा रहता और पार्टी चेंज करते ना विधायक रह करके, जैसे कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से दूसरे समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं. आप देख रहे होंगे ये पूरी राजनीतिक कौतूहल वहाँ पे मचा हुआ है. तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्योंकि विधानसभा का टेन्योर ख़त्म हो गया, उन्होंने अपना पूरा टेन्योर ख़त्म कर लिया तो उन्हें कोई डर नहीं. लेकिन अभी टेन्योर बचा होता और वो पार्टी बदलते तो दल बदल निषेध उन पर लग जाता. अनलेस एंड अनटिल उस एक पर्टिकुलर पार्टी की 2/3 लोग पार्टी बदलते विधायक रहते हुए, तब उनके ऊपर दल बदल नहीं लगता. लेकिन 1, 2, 4 जैसे जा रहे हैं ना उसमें फिर वो लोग अयोग्य करार हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं. ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी डी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव. क्लियर, आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं. फैक्चुअल क्वेश्चन है. तो आपको भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने राष्ट्रपति हुए और कोशिश करें कि जितने उपराष्ट्रपति हुए, उसके अलावा शुरुआत के कुछ लोकसभा स्पीकर्स, वर्तमान के लोकसभा स्पीकर, शुरुआत के कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, वर्तमान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, शुरुआत के कुछ फाइनेंस कमिश्नर्स, वर्तमान के फाइनेंस कमिश्नर्स, नीति आयोग की शुरुआत के कुछ अध्यक्ष और अभी के अध्यक्ष, ये सभी की लिस्ट भी याद रखना है. ये भी पॉलिटी के अंदर का फैक्चुअल क्वेश्चन में आता है. क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, कार्यवाहक राष्ट्रपति? वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, नीलम संजीव रेड्डी. बताएं, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू आर एप्ट इन फैक्ट्स. तो आंसर है 1 और 2, यानी बी.
1969 में जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, तो पहले तो वीवी गिरी जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। वीवी गिरी जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन खुद लड़ने गए, तो उस वक्त इंडिया के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो 1969 में ये दोनों ही बने हैं। तीसरा जो केस आता है वो फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ के बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक बने थे। तो ये तीन ही लोग के आप नाम याद रखेंगे। बाकी नीलम संजीव रेड्डी तो फुल टाइम प्रेसिडेंट है 1977-79 में, एक बार देख लीजिएगा 77-79 में ये बने थे नीलम संजीव रेड्डी। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, ये फुल टाइम प्रेसिडेंट थे, जीते थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, ना कि एक्टिंग। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस से, संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया मैंने आपको उस लेक्चर में पढ़ाई थी, उसी में से आपको ये स्टेटमेंट को जांचना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी असत्य कथन को पहचानना है। 4 में से 1 इनकरेक्ट होगा, 3 करेक्ट होंगे। पहला, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, ये सही है या गलत? गलत। संवैधानिक संशोधन विधेयक को लाने से पहले प्रेसिडेंट को पूछने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा सिर्फ मनी बिल या फाइनेंस बिल में किया जाता है, इसमें नहीं। ठीक है, तो हमें वैसे तो आंसर मिल गया, लेकिन बाकी भी जाँच लेते हैं। किसी संघीय प्रावधान को बदलने के लिए कम से कम आधे राज्यों की अनुमति चाहिए रहती, बिल्कुल सही, भी थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने। अमेंडमेंट में अगर कोई फेडरल फीचर है तो संसद में उसे पास होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की भी सहमति चाहिए, तो सही है। संवैधानिक संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। विधि के शासन का प्रावधान असंशोधनीय है, बिल्कुल सही। मैंने आपको एक वर्ड शुरुआत से बताया, संसद संविधान का मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी अवधारणा 1973 के जो केशव नंदा भारती केस है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और उन्होंने कहा था हमारे संविधान के कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें आप कभी किसी संशोधन से बदल नहीं सकते, जो संविधान का जो मूल है, जो आत्मा है, उससे संबंधित तत्व हैं, जैसे भारत की संप्रभुता, भारत में लोकतंत्र, भारत में गणतंत्र, ठीक है, ये सब जो हैं, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब जो हैं ये उसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कई दफ़े पीएससी में उस बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं, या इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा और नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में यानी मूलभूत ढांचे के अंतर्गत एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बुक में मिलती है आपको, उसे एक नज़र ज़रूर देख लें, उनमें संशोधन नहीं हो सकते। तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ भी उसी का एक हिस्सा है, और इस वजह से ये नॉन अमेंडेबल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से सही है, और हमें इनकरेक्ट बताना था ऑप्शन ए, इकलौता इनकरेक्ट है। ठीक, क्लियर विद दैट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज से है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा, जो कि भाग 17 में। ऐसा है कि राजभाषाओं के साथ साथ राजभाषा में जब आप देखेंगे तो केंद्र की राजभाषा और राज्यों की राजभाषा दोनों के बारे में प्रावधान है। तो एक नज़र आप फैक्चुअली ज़रूर देख लीजिएगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी आधिकारिक राजभाषा कौन सी है। भाग 17 के अंदर छत्तीसगढ़ की राजभाषा कौन सी, मध्य प्रदेश की कौन सी, उड़ीसा की कौन सी है। हम केंद्र में, ये तो हम जानते हैं ना कि केंद्र के ऑफिसर्स में राजभाषा हिंदी है और इंग्लिश को भी एक्सेप्ट किया गया, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, वैसे तो हिंदी है पर क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में, तो उसे भी एक्सेप्ट किया गया। ऐसे ही पार्ट 17 में आपको स्टेट की राजभाषा यानी स्टेट के ऑफिसेज में जो भाषाओं का इस्तेमाल वैलिड है उनकी भी मिलती है बातें, तो आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी ही आपकी राजभाषा है, तो वो लिस्ट भी ज़रूर देख लें। उस पर से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है और आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। छत्तीसगढ़ ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया, सही स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ी फिलहाल अभी एक विभाषा या डायलेक्ट के तौर पर है, भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई है, इस वजह से हमने हिंदी को ही, मध्य प्रदेश के जैसे ही हिंदी को ही हमने राजभाषा के रूप में अपनाया।
कश्मीर ने कश्मीरी को राजभाषा के रूप में अपनाया। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े से पुराने क्वेश्चन पेपर का है, उस वक्त इस ऑप्शन को रॉन्ग लिया गया था। बट अभी, पहले ऐसा था कि कश्मीर में वहाँ पे जो उर्दू है या जो डोगरी है, ये सब राजभाषा में थी, लेकिन अब कश्मीरी को भी राजभाषा की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपने कहीं और इसको देखा होगा तो ऑप्शन एक, मतलब ऑप्शन दो को उसने गलत लिया होगा, बट अब ये ऑप्शन दो सही हैं, क्योंकि कश्मीरी भी अब राजभाषा में शामिल है कश्मीर के। पहले कश्मीर की राजभाषा में कश्मीरी शामिल नहीं थी, दो तीन और थी जिसमें एक उर्दू थी स्पेशली, ठीक है, लेकिन अब कश्मीरी भी शामिल है। तो इस तरह हिसाब से आपका सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। नागालैंड ने अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में अपनाया, बिल्कुल सही। अब ये कंफ्यूज मत होना, अंग्रेजी आप कहेंगे मैडम वो तो शेड्यूल 8 में नहीं है, तो शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस है वही राजभाषा हो सकती, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इंग्लिश तो वैसे भी सेंटर की राजभाषा में हिंदी का सेकंड ऑप्शन इंग्लिश ही है। साउथ की कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे राजभाषा इंग्लिश है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है जहाँ पे राजभाषा इंग्लिश है। तो अनुसूची 8 अलग बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 अलग बात है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें नागालैंड का नाम प्रमुख रूप से आता है, जहाँ पे अंग्रेजी भी है। इस हिसाब से हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही आते हैं। जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ ना, इसमें अगर आप कहीं पे आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो 1 और 3 सही लिया है। उसकी वजह मैंने बता दी कि कश्मीरी को नहीं लिया जाता था, पर अब कश्मीरी को भी जोड़ दिया गया, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्लियर विद दैट? ठीक है, तो राजभाषाओं को और देख लीजिएगा, इससे जुड़े और एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 14 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि एकदम कोर, अगर आपने मेरे संसद के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये संसद में उस फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है जहां मैंने आपको एक टेबल के जरिए बताया था कि यदि कोई विधेयक संसद में लंबित है, यानी पेंडिंग है, लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है, राष्ट्रपति के पास हो सकता है, यानी वो विधेयक आया है लेकिन अभी प्रक्रियाधीन है, है ना, अंडर प्रोसेस है, पास नहीं हुआ, फाइनली पास या फेल, मतलब राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा है या राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, कहीं पर भी वो पेंडिंग है, और ऐसे विधेयक के आने और पारित होने यानी उस पर निर्णय फाइनल होने से के बीच का जो टाइम है जब वो पेंडिंग है, वो या तो लोकसभा में हो सकता है, तो राज्यसभा में हो सकता है, तो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग हो सकता है। ऐसे टाइम पे अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उस विधेयक पर क्या असर पड़ता है? बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इस असर को समझने के लिए। डिपेंड करता है कि वो विधेयक कहाँ पर है फिलहाल, वो लोकसभा में है, वो राज्यसभा में है, वो राष्ट्रपति के पास है, वो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने पारित किया कि नहीं। बहुत सारी ऐसी 7 कंडीशंस को मैंने टेबल के जरिए लेक्चर में समझाया है, आप ज़रूर देखें। संसद नाम का जो लेक्चर है मेरा, उसे आप ज़रूर देखें। तो उसी में से 2 कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। तो ऐसा है कि अंत उसका, जो 7 कंडीशन का अंत 2 में से एक ही होता था, या तो वो विधेयक पारित हो जाता था, सॉरी, या तो वो विधेयक रहता था या तो समाप्त हो जाता था। मतलब एक, जैसे मैं एक कंडीशन बता दूं, मैं क्या बता रही हूँ, लोकसभा भंग अगर हो गई और विधेयक कुछ पेंडिंग है तो उन विधेयकों पर लोकसभा के भंग होने का क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन द पेंडिंग बिल्स, इस नाम से ही हमने इसे पढ़ा था। तो लोकसभा, मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आया है, अब लोकसभा में आया है, लोकसभा में चर्चा हो रही है, वो विधेयक राज्यसभा नहीं गया है, वो विधेयक राष्ट्रपति के पास नहीं गया है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे टाइम पे देखें तो ना तो वो राष्ट्रपति के पास गया ना राज्यसभा के पास, वो विधेयक कहाँ पे पेंडिंग है अभी, लोकसभा में। ऐसे टाइम में अगर लोकसभा भंग हो गई तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा, है ना, वो नई लोकसभा आएगी तो वो नया विधेयक लाएगी, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक है जब लोकसभा राज्यसभा थी तब दोनों से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, पर राष्ट्रपति ने अभी तक कोई डिसीजन उस पर नहीं लिया है, और इस टाइम पे वो राष्ट्रपति के टेबल पर पेंडिंग पड़ा है, और इधर से लोकसभा भंग हो जाती, तो वो विधेयक अपने आप समाप्त नहीं होगा, वो विधेयक अपने आप समाप्त
नहीं होगा। तो ऐसे ही उन 7 कंडीशंस में मैंने आपको एक टेबल के जरिए बताया है कि कौन से कंडीशन में विधेयक अपने आप समाप्त होगा, किसमें नहीं होगा। उन्हीं में से कुछ कंडीशन दी है, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा सुना होगा तो आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं। राज्यसभा में लंबित विधेयक, राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। इसमें ना आपको सत्य कथन बताना है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो बोल रहा है राज्यसभा में, मतलब एक लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया प्रेसिडेंट, राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, मतलब वो ये बिल आया है राज्यसभा में, यहीं पे पेंडिंग है, अभी वो लोकसभा में गया नहीं है, राष्ट्रपति के पास गया नहीं है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। ये वाले कंडीशन पे अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या बिल समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बिल आया ही राज्यसभा में है, अभी वो लोकसभा गया नहीं, तो लोकसभा भले रहे नहीं रहे इस बिल पर असर नहीं पड़ेगा, इसलिए विघटित नहीं होगा। और इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। कि कई लोग एकदम सर के ऊपर से जा रहा होगा, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर सर के ऊपर से जाएगा। उसके लिए मैं वो पूरा चार्ट जो आधे घंटे तक मैंने समझाया तो मैं फिर से नहीं समझा सकती, आप लेक्चर जाकर देखिए। आप इस कंडीशन को बस समझिए कि कोई विधेयक अगर राज्यसभा में आया है, अब वहीं लंबित है, इसका मतलब है कि वो राज्यसभा के किसी सांसद ने लाया है, वो लोकसभा नहीं गया अभी, और लोकसभा भंग हो जाती तो ये विधेयक समाप्त नहीं होगा, ठीक। उसके अलावा संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावस्थान की स्थिति में समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक पेंडिंग है, जैसे बजट सेशन में मान लो अभी कोई विधेयक आया वो पेंडिंग है, और बजट सत्र जो है वो ख़त्म हो गया, तो क्या वो विधेयक जो पास नहीं हुआ है वो समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। वही जब अगला सत्र होगा, जैसे बजट सत्र में कोई विधेयक आया, वो इस सत्र के ख़त्म होते तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया तो वो रहेगा, फिर जब अगला सत्र होगा, मान लीजिए मानसून सत्र अगला होगा, उसमें उस विधेयक पर फिर से आगे का डिसीजन होगा, तो ऐसा विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये हो जाएगा कह रहे हैं। तो इस हिसाब से है ना, 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। बहुत ट्रिकी है, दोनों स्टेटमेंट गलत आ रहे हैं और आपको सही स्टेटमेंट बताना है, और दोनों ही गलत हैं, इस वजह से इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो क्लियर है, दिमाग चकराया तो नहीं। चलिए क्वेश्चन 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आई होप ज़्यादातर सेक्शंस को मैंने कवर कर लिया है, कुछ तो मैंने अपने लेक्चर के साथ ही छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया था वो सिर्फ प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव्स थे, असली तरह के क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने कल और आज मैं आपको बताए, वो लेक्चर की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थे, उन्हीं को कंबाइन कर करके क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है कुछ डायरेक्ट भी आ जाए, पर ज़्यादातर से कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, मतलब भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो ट्राइकलर है हमारा, तिरंगा है, उससे रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, उसे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मिलता है किताबों में, लक्ष्मीकांत में भी आपको ये चीज़ मिलेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कहता है फ्लैग कोड का जो सेक्शन 11 है ना, जो उसकी धारा 11 है, सेक्शन 11, उसमें ये बात कही गई है, और उसमें बताया गया है कि किन परिस्थितियों में भारत के तिरंगे को हम पूरे भारत में आधा झुकाते हैं। हमको पता ना, कुछ गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर तिरंगा झुकता है आधा, हाफ मास्टिंग ऑफ फ्लैग है ना, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि कब हम पूरे देश में करते हैं, कब हम राजधानियों में करते हैं, कब हम दिल्ली में झुकाते हैं, कब हम राज्य की राजधानी में झुकाते हैं, ऐसी पूरी लिस्ट आपको मिलेगी। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, या ऐसे कौन से गणमान्य व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु पर समस्त देश में, पूरे देश में झंडा आधा झुकता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से किन के लिए पूरे इंडिया में झुकेगा? आंसर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सिर्फ ये 3। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ होती है तो पूरे इंडिया में ट्राइकलर विल बी मास्टेड हाफ, हाफ मास्टिंग ऑफ फ्लैग होगा, आधा झुकाया जाएगा तिरंगे को पूरे देश में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा सिर्फ ये तीन। लोकसभा अध्यक्ष है या मुख्य न्यायाधीश, इनकी अगर डेथ होती है ना, लोकसभा के स्पीकर की या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो सिर्फ दिल्ली में तिरंगा आधा झुकाया जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री कैबिनेट वाले, उनकी डेथ होती है ना, तो दिल्ली में और सभी राज्यों की राजधानी में झंडा आधा झुकाया जाता है। समझना क्या कह रही हूँ, ये तीन तो याद रखना ही कम से कम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मृत्यु पर पूरे देश में झंडा आधा झुकाया जाएगा। अगर लोकसभा के स्पीकर और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका अगर डेथ होती है तो फिर सिर्फ दिल्ली में झंडा आधा झुकाया जाएगा। और अगर यूनियन कैबिनेट मंत्रियों की डेथ होती है किसी की, तो फिर दिल्ली में और सभी राज्यों की जो कैपिटल्स हैं, राजधानियां हैं, वहां पे झुकाया जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेट लेवल के जितने लोग हैं, है ना, स्टेट के मंत्रियों की वगैरह डेथ होती है, मुख्यमंत्री की डेथ होती है, तो फिर वो स्टेट में झुकाया जाता है, ऐसा होता है। ठीक, बाकी ये तीन याद रखना ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर ये पूरे देश में इन तीनों के लिए। ठीक, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ सेशन। इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप उन पूरे लेक्चर्स के ज़रिए, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ज़रिए और पॉलिटी एमसीक्यू के इन दो सेशंस के ज़रिए मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं आपके पॉलिटी के। अब आपको इन्हें सिर्फ दोहराना है। रिवीजन इज़ द ओनली की आउट फॉर सक्सेस। ठीक है, तो दैट इज़ इट, पॉलिटी में इतना ही मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित हो, ऐसा मैं होप करती हूँ। ठीक, आगे हम हिस्ट्री की सीरीज़ देखेंगे। हिस्ट्री के भी ऐसे दो एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।